अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे ढेर सारा। और जी आज हम बना रहे हैं मग केक, वो भी 1 मिनट, फास्ट सा, जल्दी जल्दी से बन जाए जब दिल करे। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए मैं बताती हूँ आपको। 3 टेबलस्पून मैदा ले लेना, 1, 2 and 3, दैट्स इट। ये मैदा ले लिया जी, और 2 टेबलस्पून कोका पाउडर, किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं आप, 1 and 2। ये डाल दिया कोका पाउडर, और 1 चुटकी के करीब तकरीबन बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, ओके, बेकिंग पाउडर। ये ऐड कर दिया, हसबे ज़रूरत, बिल्कुल थोड़ा सा ही, उसमें हसबे ज़रूरत भी नहीं, सॉरी, 1 चुटकी, बिल्कुल छोटी सी चुटकी ले ली है मैंने सॉल्ट की, ऐसे बस। ये ऐड कर दिए सॉल्ट, और साथ जाएगा कि 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, 1 and 2। ये बच्चों के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है, 2। और शुगर 3 टेबलस्पून, बिल्कुल ठीक रहेगी। वन, टू एंड थ्री। ये डाल दी शुगर, और अब हम सबसे लास्ट में एग। बच्चों के लिए इसलिए ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बच्चों को फटाफट से कोई चीज़ चाहिए होती, जब भी वो कुछ कहते हैं तो कहते हैं फटाफट कुछ हो ऐसा जो जल्दी से बन जाए, स्पेशली केक वगैरह बेकिंग हो रही हो तो बच्चे बार बार पूछते रहते हैं। अच्छा जी, ये एग ऐड कर दिया, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से। और इसमें 2 टेबलस्पून में ऐड करूँगी मिल्क, मैं इसमें स्पून में डाल के ही डालती हूँ इस तरह। और थोड़ा सा और, क्योंकि ये 1 टेबलस्पून वाला बैरिंग नहीं है इसलिए ये स्पून, ये 1.5, 2 टेबलस्पून हो गया, ठीक है। चलिए जी अब इसको कर लेते हैं मिक्स अच्छा सा। ये देखिए, इसको अच्छे से हम ऐसे ऐसे हाथ की मदद से ही इसको अच्छा सा बीट करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये ऐसा होना चाहिए, ना बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। ये देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा होगा कैमरा अगर फोकस कर रहा है तो, ठीक है। अब हम इसको रखते हैं जी ओवन में, 1 मिनट रखते हैं, डन करते हैं। ये रख दिया हमने ओवन में, एंड ये 1 मिनट प्रेस कर दिए। अब निकालते हैं बाहर, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब हम मग से केक को निकाल के इस प्लेट में रख लेंगे। ज़बरदस्त, ये देखें जी बनके तैयार है हमारा मज़ेदार सा मग केक। अच्छा, अब इस पे हम डेकोरेशन करेंगे जी चॉकलेट सिरप की। ये देखें जी, जैसे मेरे से डेकोरेशन हो सकी मैंने कर दी और ये हो गया हमारा रेडी। गरम गरम खाएं, ख़ुद भी इंजॉय करें, सबको खिलाएं।